हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक्निकल एम्बेसी यूट्यूब चैनल। तो देखिए गाइस, आज मैं इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत सारा लोग मुझे कमेंट कर रहे थे एससी और एसटी का मतलब रिकमेंडेशन के बारे में भी बताइए, उसका बारे में भी कुछ मतलब सैंपल दीजिए कैसा होता है और कहाँ जाना पड़ता है। तो देखिए गाइस, इसका आंसर मैं ऑलरेडी वीडियो बहुत सारा बना चुका हूँ, वो वीडियो में आप देख सकते हो। वो वीडियो आप लोग जाके एक बार चेक करिए, मैंने वहाँ में बताया है कहाँ पर मिलेगा, कैसे आपको मिलेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है उसके लिए। फिर भी गाइस, मैं आज आप लोगों को क्लियरली बता रहा हूँ। तो देखिए गाइस, अपना सब डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी या तो प्रेसिडेंट चेयरमैन के पास होता है ये। आप लोग अपना सब डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक ऑफिस में जाके पूछिए, आपको पता चल जाएगा और वहीं से आप लोग ले लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट जो मैं बताने के लिए जा रहा था वो है गोरखा कम्युनिटी के लिए है। और अगर गोरखा से कोई बिलोंग करता है और उनको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है तो गाइस, अभी रिकमेंडेशन लाने के लिए मतलब सब डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी या तो प्रेसिडेंट गोरखा का ही मतलब वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मतलब गोरखा कम्युनिटी का कास्ट सर्टिफिकेट जो भी रिकमेंडेशन है वो गोरखा लोग ही आपको प्रोवाइड करेंगे। मतलब एक ही व्यक्ति के पास अथॉरिटी होता है, मतलब उनको देने के लिए मतलब एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो गाइस, वहाँ से आप लोग कलेक्ट कर सकते हो और आप लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, अगर आपका फादर का और आपका ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो वो गोरखा मतलब रिकमेंडेशन फॉर ओबीसी, तो ये लाके आप लोग अपना अप्लाई करते समय में अपलोड कर सकते हो। तो गाइस, ये भी आपका काम चलेगा और ये आपको लेने के लिए कहीं पर भी जाना नहीं है, गोरखा के लिए है। और गोरखा के लिए देखिए गाइस, आप लोग अपना जो भी है सब डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी या तो प्रेसिडेंट उनके नाम और वो पता लगा के आप लोग डायरेक्टली वहाँ में जाके कलेक्ट कर सकते हो। तो गोरखा के लिए अभी रिकमेंडेशन फॉर ओबीसी लेने के लिए आपको कहीं पर जाने का जरूरत नहीं है। अपना सब डिस्ट्रिक्ट का गोरखा का प्रेसिडेंट कौन है वो पता लगाइए और आप लोग जाइए वहाँ से कलेक्ट करिए, आपको मिल जाएगा। अगर आपका फादर का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपका ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो गाइस हो जाएगा। और यहाँ में 20 साल पुराना डॉक्यूमेंट भी नहीं चाहिए, आप लोग सिंपली अपना एक वोटर कार्ड और एक आधार कार्ड लेके वो ला सकते हो, फादर का नाम और आपका मदर का नाम। अगर आप अपना लेने के लिए जा रहे हो तो गाइस आपका फादर का नाम और मादर का नाम आपको लेके जाना होगा, वो चाहिए जरूरी है। और मतलब एक एज प्रूफ में आप लोग पैन कार्ड दे सकते हो और आधार कार्ड भी दे सकते हो। अगर एज और एड्रेस प्रूफ एक ही डॉक्यूमेंट में है तो गाइस आधार कार्ड एक ही डॉक्यूमेंट से हो जाएगा। मतलब आधार कार्ड में होता है एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ भी होता है, तो गाइस एक ही डॉक्यूमेंट से आपका बन जाएगा। तो आप लोग कलेक्ट करिए, अपना एसएफसी बनाइए और ये गोरखा कम्युनिटी के लिए न्यू अपडेट आया है। तो चलिए गाइस, मेरा आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख दीजिए इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।